महावारी की जानकारी। महावारी के दौरान शरीर की सफाई। महावारी आना यह एक कुदरती प्रक्रिया है। यह किशोरी और महिला को कभी हर महीने तो कभी 1.5 से 2 महीने से आती है। महावारी के दौरान सफाई रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम इसे समझें। महावारी में प्रतिदिन कम से कम एक बार नहाए। हल्के गर्म पानी से नहाने से शरीर हल्का होता है। जनन अंगों को विशेष रूप से साफ करें। महावारी के खून को सोखने के लिए साफ सूती कपड़े को लपेटकर पैड बनाएं। इसे गीला होने पर साबुन से धोकर धूप में सुखाएं। खून का बहाव बंद होने पर इसे धोकर साफ जगह पर रखें। 2-3 महीने के उपयोग के बाद कपड़े को जमीन में गाड़ दें। महावारी के खून को सोखने के लिए बाजार में मिलते पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी की प्रक्रिया पर जानकारी। हर एक लड़की को महावारी आती है। शुरुआत में महावारी कभी वक्त पर और कभी देर से आ सकती है, जो कुछ समय के बाद ठीक वक्त पर आने लगती है। स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग। आंतरिक प्रजनन अंगों में योनि मार्ग, गर्भाशय का मुख, गर्भाशय, 2 स्त्री बीजवाहिनी और 2 बीजाशय का समावेश होता है। हर माह स्त्री के बीजाशय में स्त्री बीज पकता है। यह बीज बीजाशय में से निकलकर स्त्री बीजवाहिनी में जाता है। साथ ही गर्भाशय गर्भ धारण होने की संभावना में खुद को तैयार करता है। बच्चे के पोषण के लिए अपने अंदर की दीवार को खून की गद्दी के रूप में तैयार करता है। जब किशोरी या स्त्री गर्भ धारण नहीं करती है तो खून की बनी गद्दी टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है, जिसे महावारी कहते हैं। आमतौर पर महावारी 3 से 7 दिन तक आती है। याद रखें, महावारी कोई बीमारी नहीं है। इसमें शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। महावारी के दौरान लड़कियों या स्त्रियों के कमर, जांग या पेट के नीचे के भाग में हल्का दर्द हो सकता है। गर्म पानी से सेक करने से तथा हल्का गर्म पानी पीने से आराम मिलता है। आमतौर पर यह दर्द महावारी के पहले या 2 दिन तक ही रहता है। महावारी के दौरान सब कुछ खा पी सकते हैं, जैसे कि सभी फल, संतरा, अमरूद, आंवला, नींबू, दूध, दही, छाछ, बेर, सभी अनाज, सभी सब्जियां, अचार, दाल और दलहन। डॉक्टरी सलाह ले यदि दर्द बर्दाश्त ना हो या लंबे समय तक रहे। यदि 10 से 16 साल की उम्र के बीच महावारी शुरू नहीं हुई हो, शुरुआत में 1-2 साल के बाद भी महावारी नियमित रूप से ना आती हो, खून का बहाव बहुत अधिक या कम हो। महावारी कुदरत की देन है, कोई गंदगी नहीं। शीला की कहानी। यह शीला है रामप्रसाद की सबसे बड़ी बेटी। इसकी उम्र लगभग 12 साल की है। आज उसकी महावारी शुरू हुई है। घर के सभी सदस्यों का उसके लिए व्यवहार बदल गया है। घर में हो रहे पूजा पाठ से उसे दूर रखा गया है। रसोई से भी उसे दूर रहने को कहा गया है। शरीर में होने वाले बदलाव, महावारी और घर में सभी के बदले हुए व्यवहार से शीला बहुत परेशान है। उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह ठीक है? याद रखें, महावारी के बारे में किशोरियों को पहले से ही जानकारी दें। महावारी के समय हम रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। लड़कियों के खेलने तथा बाहर जाने पर रोक ना लगाएं। किशोरी पर पढ़ाई बंद करने के लिए जोर ना डालें। किशोरियों को आपके स्नेह और साथ की आवश्यकता है। महावारी शुरू होते ही किशोरी शादी तथा गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं होती है। लड़की की शादी 18 साल की उम्र के बाद ही करें। चेतना ने मासिक धर्म के आसपास की चुप्पी को तोड़ने और इसके आसपास की मान्यताओं और मिथकों में बदलाव के लिए एक जन जागरूकता अभियान रेड अच्छा है शुरू किया है। हमने इसे सरल भाषा में समझाने के लिए विशेष शैक्षिक सामग्री भी विकसित की है, जो गैर सरकारी संगठनों और सरकारी कार्यक्रमों में बहुत लोकप्रिय है। हमारे मासिक धर्म
स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हम लड़कियों के बीच मासिक धर्म किट वितरित करते हैं। मासिक धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम हर साल हजारों लड़कियों तक पहुंचते हैं। सुरक्षित अवधियों को सीखने और अभ्यास करने के लिए भारत में 10 लाख लड़कियों तक पहुंचने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम जो कपड़ा मुहैया करा रहे हैं उसे करीब 3 महीने तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप 1,000 रुपए का योगदान करते हैं तो यह पूरे 1 वर्ष के लिए एक लड़की के अवशोषक की आवश्यकता को पूरा करेगा। अगर आपको लगता है कि आप इन युवा लड़कियों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। इन सभी लड़कियों को आपकी सहायता की आवश्यकता है।